हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सबट्रॉपिकल रीजन. सो अंडर द टॉपिक ऑफ द सबट्रॉपिकल रीजन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर जीवन कैसा है. सो टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द टॉपिक लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. ये क्या है, एक केस स्टडी है, ये देखते हैं. विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन अ मतवाली मौन विलेज ऑफ बिहार. तो देखिए, विनोद क्या है, एक मछुआरा है जो मछलियों को पकड़ता है और मतवाली मौन विलेज बिहार में वो रहता है, एक गांव है वहाँ का. ही इज अ हैप्पी मैन टुडे, वो काफ़ी खुश मिजाज इंसान है. विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंदर किशोर राजीव एंड अदर्स ही क्लीन द मॉन और द ऑक्सबो लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वराइटी ऑफ फिश. तो यहाँ पर देखिए, उसके काफ़ी फेलो भी हैं जो उसके साथी हैं, जिनमें रविंद्र किशोर हैं, राजीव हैं और काफ़ी और भी उसके मित्र हैं मछुआरे, जो क्या करते हैं वहाँ की जो ऑक्सबो लेक है उसमें मछलियों को पकड़ते हैं डिफरेंट वैरायटी की, अलग अलग प्रकार की. द लोकल वीड वेलिनेरिया हाइड्रिला दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश. तो आपने देखा होगा कि लेक के ऊपर जो हरी घास होती है वही है ये, कौन सी है, वेलिनेरिया हाइड्रिला. तो यही क्या है, ये वहाँ की जो फिश हैं उस लेक की, उनका फूड है. द लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल. देखिए, जो लैंड है इस लेक के आसपास का वो काफ़ी फर्टाइल है, क्योंकि रिवर अपने साथ क्या है, काफ़ी मिनरल्स बहाकर लेके आती है मैदानी भागों में. ही सो क्रॉप्स सच एज पैडी मीज एंड पल्सेस इन दीज फील्ड्स. तो जो विनोद है इन्हीं फर्टाइल फील्ड्स में, जो काफ़ी उपजाऊ यहाँ पर ज़मीन है, वहाँ पर पैडी धान मेज़ जो मक्का होती है और तरह तरह की जो दालें होती हैं उन्हें उगाता है. द बफलो इज़ यूज टू प्लग द लैंड. तो यहाँ पर देखिए, जो ज़मीन होती है उसको जोतने के लिए यानी कि प्लगिंग के लिए बफलो यानी भैंसों का प्रयोग किया जाता है. द कम्युनिटी इज़ सेटिस्फाइड, जो वहाँ की कम्युनिटी है पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है. देर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जो देखिए मेन जो फूड है फिश होता है, तो वो सफिशियंट वहाँ से पकड़ देते हैं. फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट, और काफ़ी फिशेज वे जो होती हैं वो मार्केट में भी सेल करते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी होती है. दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन. और साथ ही कई बार वो क्या करते हैं, इन्हें नेबरिंग जो टाउन्स होते हैं आसपास के वहाँ पर भी सप्लाई करते हैं. द कम्युनिटी इज़ लिविंग इन हारमोनी विद नेचर. देखिए, काफ़ी हारमोनी के साथ, नेचर के साथ ये कम्युनिटी रहती है, प्रकृति के साथ. एज लॉन्ग एज द पॉपुलेंट्स फ्रॉम नियर बाई टाउन्स डू नॉट फाइंड देयर वे इन टू द लेक वाटर्स द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट. तो स्टूडेंट, जब तक भी इसके जो नियर बाई टाउन्स हैं, जब तक वहाँ से जो लोग हैं उन्हें अगर रास्ता नहीं मिलता इस लेक वाटर तक, तब तक यहाँ पर जो फिश कल्टीवेशन होता है वो किसी भी तरह की बाधा उस पर उत्पन्न नहीं होगी, वो उन्हें सफिशियंट मिलते रहेंगे वहाँ से. डू यू नो, लेट्स नो अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट. इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र वराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन्स. देखिए, इनका नाम है ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स इज़ फाउंड. तो यहाँ पर कौन सी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर ये डॉल्फिन पाई जाती हैं. द प्रेजेंस ऑफ सूसू इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर. और ये जो डॉल्फिन होती हैं, देखिए ये बहुत ही स्वच्छ पानी में यानी कि फ्रेश वाटर में रहती हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ का पानी बहुत साफ है. द अन ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट
विद हाई अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीसीज। और देखिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ से जो गंदगी निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस स्पीसीज के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, डू यू नो टू एक्सीलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, यानी कि जो सार्वभौमिक एक सफाई अभियान होता है, टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन। कब किया शुरू? 2 अक्टूबर 2014 को, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस टॉपिक लेट्स कंटिन्यू गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े टाउन्स और सिटीज़ हैं, शहर हैं। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लैक्स। देखिए ये जितने भी आपके बड़े बड़े शहर हैं वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा है। आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा, और ये गंगा रिवर के किनारे हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स, और यहाँ से देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है, तो अधिकतर जो इंडस्ट्रियल गार्बेज निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, तो उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स में। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन इन द रिवर्स, और इससे क्या हो रहा है, जो रिवर्स हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। डू यू नो टू कंजर्व द रिवर गंगा, तो जो रिवर गंगा है उसे कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड, तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, शुरुआत की गई है इसकी। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो यहाँ पर जो आपके फोर वेज होते हैं ट्रांसपोर्ट के, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे वे आपको दिखाई देते हैं। इन द प्लेन एरियाज ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट, तो जो प्लेन एरियाज हैं इस बेसिन के, वहाँ पर आपको रोडवेज और रेलवेज देखने को मिलेंगे। द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है लोगों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर, तो जो वाटरवेज है तो रिवर के थ्रू होता है। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली, तो यहाँ पर कोलकाता क्या है, एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है, किस पर, रिवर हुगली पर। द प्लेन एरिया इज ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, और जो यहाँ के प्लेन एरियाज हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे, वहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पर्यटन स्थल भी हैं। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, जैसे कि आपका ताजमहल बना हुआ है यमुना नदी के किनारे। अलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना, तो गंगा यमुना जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर है आपका इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो बुद्धिस्ट जो होते हैं स्तूप आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, आसाम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट, तो ये देखिए काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। Here you can see tiger in Manas Wildlife Sanctuary. तो Manas Wildlife Sanctuary जो आपके आसाम में है। So students, with this topic, this chapter ends here. I hope you understood it well. So in the next turn, you will solve its exercise. Till then, bye.